तैयारी अभी ईद को लेकर यहाँ पर? यहाँ पे इसकी ये अभी वृक्षारोपण करवाए थे, उसकी वजह से थोड़ी मिट्टी वगैरह वो थी, वो सही करवा के वो कर रहे हैं। माशाल्लाह ये पाँचवा साल हो गया यहाँ पे ईद और बकरीद की नमाज़ हो रही है। जो शहर की शाही ईदगाह थी वो काफ़ी कम पड़ने लग गई थी, वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। आसपास के गाँव देहात के लोग भी बहुत आते हैं। अभी नई ईदगाह बनने से कटमे रसूल आसपास के बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। सर कितने मतलब नमाजी आ जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 10-15 हज़ार के करीब में आ जाते हैं। 6 एकड़ के अंदर बनी है ना ये, 6 एकड़ के अंदर ये साफ़ सफाई चल रही है घास की। और ये यहाँ 500 झाड़ लगाए हैं आम के, कटहल के, जामुन के, इनकी देख रेख करने के लिए ये ड्रिप का सिस्टम डाल रहे हैं यहाँ पर पाइप का, कि आगे चलकर बरसात के बाद ये ड्रिप से पानी इनको मिले झाड़ों को। और मैं जो लोग और हैं जो इस ईदगाह में आते हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो भी आएँ इस ईदगाह के अंदर जो झाड़ लगे उनकी देख रेख करने के लिए। ये झाड़ आगे नहीं, आपको आज नहीं कल आपके बच्चों के काम में आने वाले हैं। हर आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए आता है सुबह 7:30 का टाइम रखा है हमने ईद की नमाज़ का। तो यहाँ पर सब बंदोबस्त है, पार्किंग की व्यवस्था है, सब वजू करने की, ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ने की, लोगों को तकलीफ़ नहीं हो इसलिए ईदगाह का बंदोबस्त किया था। ये 6 एकड़ में ईदगाह बनी हुई है। कितना समय होगा सर इसको? ये लगभग 5-5वां साल हो गया इसका ईदगाह को बने हुए। सर आपका शुभ नाम? नफीस मंशा खान।